हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सोहेल अबरार खान और आज मैं बात करूंगा एक सवाल के बारे में। ये सवाल ऐसा है जो हमारी जिंदगी को आर पार भी कर सकता है या फिर हमें हमारी जिंदगी में रोक भी सकता है। ये सवाल को सॉल्व करना बहुत अहम होता है। जिसने इसे सॉल्व किया वो सक्सेस है और जिसने इसे सॉल्व नहीं किया वो सक्सेस नहीं है। ये सवाल है हु एम आई, मैं कौन हूँ। अपने आप को पहचानना ये बहुत बड़ा सवाल है। जिसने अपने आप को पहचान लिया वो बहुत सक्सेस है, जिसने अपने आप को नहीं पहचाना वो सक्सेस नहीं होता। जैसे कि अगर मेरे अंदर सिंगिंग का टैलेंट है और अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो मैं उसके अंदर उतना सक्सेस नहीं हो सकता। अगर मेरे अंदर पढ़ाई का टैलेंट है और अगर मैं कुछ और चीज़ कर रहा हूँ, खेल कर रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर सक्सेस नहीं हो सकता। आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको अपने टैलेंट को उभारना होगा। अगर आप अपने टैलेंट को पहचान लेंगे, अपने आप को पहचानेंगे आप कौन है, आप क्या कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अगर आप उसे पहचान ले तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस है, अपने मकसद में सक्सेस है। लेकिन अगर आपने अपनी फैमिली के दबाव से या फिर अपने टीचर के दबाव से या फिर अपने दोस्तों के या फिर अपने आप अपने माशरे के दबाव से अगर अपने आप को दबा देते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको अपने आप को दबाना नहीं है बल्कि इन लोगों के सामने आपको अपने आप को उठाना है, आपको बताना है कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसे उभारिए, उसे कीजिए और उसे इतनी अच्छी तरीके से कीजिए, उस टैलेंट के अंदर अपनी पूरी जान डाल दीजिए। जैसे कि आप फिल्में देखते होंगे, जैसे कि आप सिंगरों को देखते होंगे कुछ गाते हुए, जैसे कि आप नाते सुनते होंगे, ये जब अपना किरदार प्ले करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं तो ये अपनी पूरी जान उस किरदार में डाल देते हैं, तब जाकर ये सक्सेस होते हैं। अगर हम अपने टैलेंट को पहचान कर अपना रोल, अपना जो किरदार है, अपनी जान उसके अंदर डाल दें तो आप बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि आप अपने करीब देखते होंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, यूट्यूब पर आप देखते होंगे बहुत सारे सक्सेस लोग हैं, सक्सेस शख्सियत है जिन्होंने अपने आप को पहचाना और अपने टैलेंट को उभारा और दुनिया को बताया कि मैं कौन हूँ और अपने आप को पूरी दुनिया के सामने पेश किया, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को जाहिर किया। वो लोग आज अपनी ज़िंदगी में सक्सेस है और वो अपना किरदार प्ले कर रहे हैं। तो आपको भी पहचानना है कि आप कौन है। ये पहचानना बहुत मुश्किल है, इंसान अपने आप को नहीं पहचान सकता। ये खुद मैंने ट्राई किया है, ये इंसान सोचने के लिए बैठता है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन ये जल्दी नहीं आता, ये इतना आसान नहीं है अपने आप को पहचानना। तो मेरे पास उसकी एक तरकीब है। आप एक काम कीजिए, कुछ देर सोचिए या फिर आपको इसके अंदर सोचने में दिन भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। आप सोचिए कि आपने अपने पास्ट में जो आप अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो अपनी डेली लाइफ में जो आप एक्टिविटीज़ करती है, उन एक्टिविटीज़ के अंदर आपको 10 एक्टिविटीज़ सिलेक्ट करना है और उन एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर करते रहना है, अपनी ज़िंदगी में फ्लो करना है। आपकी डेली रूटीन लाइफ के अंदर आपको 10 एक्टिविटीज़ को प्ले करना है, अपनी ज़िंदगी में करना है और उन 10 एक्टिविटीज़ में आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि आप कौन सी एक्टिविटी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपने उस एक्टिविटी को पहचान लिया तो आप वो एक्टिविटी आपका करियर है, आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ है। तो आपको ये पहचानना है। फैमिली के दबाव में आकर जो आपका टैलेंट है, फैमिली के दबाव में आकर आपको अपना टैलेंट नहीं दबाना है बल्कि उन्हें बताना है कि ये टैलेंट मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं सक्सेस हूँ और इंशाल्लाह मैं इसमें सक्सेस पा सकता हूँ। अगर आप ये कर लें तो आप सक्सेस है। अगर आप फैमिली के अंदर दबाव के नीचे आते हैं तो आप अपने टैलेंट को अपने हाथ से अपने टैलेंट का गला दबोच रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते अगर अपने फैमिली के दबाव में, दोस्तों के दबाव में, किसी और इंसान के दबाव में अगर अपना टैलेंट दबा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। ये आपने आपको मार रहे हैं, अपने आपके टैलेंट को मार रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आपके टैलेंट को नहीं मारिए, अपने टैलेंट पहचानिए, टैलेंट को पहचान कर उसे कीजिए और सक्सेस होइए। जिस इंसान ने भी अपने सक्सेस को, इस टैलेंट को पहचाना है तो वो बहुत सक्सेस है। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम आज़ाद अगर किसी और टैलेंट में जाते, वो पढ़ाई नहीं करते या फिर किसी और चीज़ में रह जाते तो वो आज दुनिया के सामने इतने मशहूर नहीं होते। आइंस्टाइन अगर किसी और चीज़, किसी और एक्टिविटीज़ को फॉलो करता तो वो आज दुनिया का सबसे मशहूर साइंटिस्ट नहीं बनता। आइंस्टाइन दुनिया का सबसे नंबर 1 पे है साइंटिस्ट में, हालांकि उसने पढ़ाई नहीं की थी, वो पढ़ाई में
बस नहीं था, वो फेलुअर था, अपनी जिंदगी का फेलुअर इंसान था, लेकिन आज वो हमारी जिंदगी का सक्सेसफुल इंसान है, दुनिया का सबसे टैलेंटेड इंसान है। आप बड़े बड़े जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। हर इंसान जो है वो नीचे से उठकर ऊपर बना है, हर कोई ऊपर नहीं उठता। आपको अगर सक्सेस पाना है तो आपको नीचे से सीढ़ियां चढ़नी होंगी। अगर आप सोचते होंगे कि मैं सक्सेस डायरेक्ट हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा और मुझे डायरेक्ट सक्सेस मिल जाएंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। या आप इस गलत फहमी को छोड़ दीजिए। अगर कुछ करना है तो आपको उतना स्ट्रगल करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में मुश्किल आ गई, अगर आपके सामने कोई मुश्किलात आती है, कोई हादसा आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उससे घबराना नहीं है, उसे सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी की एक सक्सेस की सीढ़ी है। अगर आपने उसे सॉल्व किया तो वो आपको एक सीढ़ी सक्सेस के ऊपर चढ़ा देगी। अगर आप उससे घबराते हैं तो आप उससे 10 सीढ़ियां नीचे आ जाते हैं। जितना भी आप हैं उससे 10 सीढ़ियां आप नीचे आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो हमारी सक्सेस का एक सक्सेस की एक सीढ़ी है, उसे घबराना नहीं है, उसे सॉल्व करना है। जैसे कि आप अपनी जिंदगी में देखते हो बहुत सारी मशहूर शख्सियात है, जैसे कि अब्दुल कलाम, अपने अमिताभ बच्चन साहब जो है एक्टिंग में जब इन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया है तो इन्हें रिजेक्ट किया गया था, इनकी आवाज़ हैवी वॉइस के वजह से। लेकिन जब इन्होंने एक्टिंग की, जब इन्होंने अपना टैलेंट दिखाया दुनिया के सामने, तो वह आज इंडिया के सबसे बेहतरीन कलाकार में से एक है। तो दोस्तों, अपने आप के टैलेंट को पहचानिए, अपने आप को उभारिए, दुनिया को बताइए कि आप क्या है, आप क्या कर सकते हैं और आप कौन हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है पहचानना, अपने आप को पहचानिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे और आपको जब भी आपका जवाब मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसे आपको सोचना पड़ेगा। इसे एक दिन भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं और कितना भी टाइम लग सकता है। लेकिन जब इसका आप एक्यूरेट जवाब निकालेंगे तो वो आपका सक्सेसफुल जवाब होगा। वो आपको सक्सेस आपको बुलंदियों पर ले जाएगा, आपको आसमानों की हवाओं में उड़ाएगा। तो दोस्तों, अपने आपके टैलेंट को पहचानिए, कुछ कीजिए, दुनिया को बताइए आप कौन है। तो मेरा कहने का यही मकसद था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया ये वीडियो देखने का। थैंक यू वेरी मच।